ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35 में हमने कुछ क्वेश्चंस इसके कर लिए थे, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किए असाइनमेंट वैसे ही की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, 8th करना है हमने। 8th मैंने आपको नहीं करवाया, आप प्लीज़ 8th क्वेश्चन का एक फॉर्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करें। तो एक रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना या शीट एक ही बात है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लैमिना या शीट एक ही बात है। लेट अस सपोज आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ये लो, ये लो, इसकी लेंथ एल है और इसकी विड्थ बी है। इसके अंदर ये मान लो इसका एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, ये रहा सेंटर से पास हो रहा है, और आपको ये बताना है कि इस लैमिना के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है, इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m बाय 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसे नोट कर लें प्लीज। तो रेक्टेंगुलर शीट या रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंट्रल एक्सिस का आई का फॉर्मूला m बाय 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये स्क्वायर होता तो फिर क्या कर देते, एल और बी बराबर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आता, एम एल स्क्वायर बाय 6 आ जाता। क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये रहा एक सॉलिड ब्लॉक शीट की फॉर्म में, ये रहा ये फिगर ऐसे देख लो, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एज एंड परपेंडिकुलर टू द लार्ज फेस। वन एज, एज क्या होता है, ये एज है, और एज के साथ परपेंडिकुलर ये है, डॉटेड लाइन का आई निकालना है मैंने, और इसकी लेंथ ए और ब्रेथ भी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया क्या, कि अगर एक्सिस सेंटर से पास होता है तो फॉर्मूला क्या है, एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल। तो क्या लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर भी होगा। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये ए है तो आधा क्या है, ए बाय 2, अगर ये बी है तो आधा क्या है, बी बाय 2। पाइथागोरस से इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो आंसर क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर भी आएगा। मार्क कर लेना आंसर, ए ऑप्शन आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, जब तक आपको ये फॉर्मूला पता नहीं तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले आप सेंट्रल एक्सिस निकाल लें, फिर इनमें डायगोनल हाफ डायगोनल निकाल दें जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा, और फिर m इंटू एच का स्क्वायर लगा के थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आंसर निकाल दें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है, इसमें कोई डाउट है, इसमें ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या लॉजिक है इसका।
ठीक, तो इसमें नेक्स्ट है, डेंसिटी वाला हमने कर लिया, परसेंटेज हमने लास्ट टाइम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने गलत किया हुआ है, इसको सही करेंगे। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, एक डिस्क है, इसका आंसर ये नहीं है, बोलो क्या होगा? ये नहीं है, एम आर स्क्वायर बाय 4, सही है। एक डिस्क है और वो एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? एक्स एक्सिस। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये रहा। अब एक्स एक्सिस इस डिस्क के लिए क्या एक्ट कर रहा है? लाइक अ डायामीटर। अब डायामीटर बड़ा कर दोगे तो ये एक्सिस निकलेगा, और डायामीटर में फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 एम आर स्क्वायर इज द आंसर। ये आंसर मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस क्या एक्ट करेगा? इसका डायामीटर एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कितनों ने कर लिया था ये? देखो इस क्वेश्चन में ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इनका मास कितना है? एम है, और रेडियस कितना है? r/2 r/2 है। ये कनेक्टेड एक रॉड के साथ है, और रॉड मासलेस है, इसका मास नहीं है, और दोनों सेंटर में जो रॉड का डिस्टेंस है वो 2r है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये देखो, एक स्फीयर के सेंटर में से एक्सिस पास कर रहे हैं, और इस रॉड के साथ इसका एंगल क्या है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। कोई डाउट इसमें? तो इट इज एक्टिंग नॉर्मल, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द स्फीयर, राइट? क्लियर है? ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? एक स्टूडेंट मुझे बोला दूसरे बैच में कि इस स्फीयर का इस एक्सिस पे आई जीरो होगा। कितने लोग एग्री करते हैं? सही तो बोला लास्ट टाइम, ये तो कर रहे थे कि एक्सिस के ऊपर स्फीयर लाई कर रहे हैं तो आंसर जीरो होगा। हाँ या ना? ना। क्यों? क्योंकि उस फिगर में जो लास्ट टाइम किया था, इट वॉज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास का तो साइज ही नहीं है, आर ही नहीं है, तो एक्सिस पे पड़ा होगा तो आई जीरो ही होगा। ये तो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर तो 3D है, पूरी बॉडी है ये, और पूरी बॉडी के सेंटर से ये अगर पास कर रहा है तो इसके अबाउट आई की वैल्यू क्या होगी? 2/5 एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, और रेडियस का कितना है? r/2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इस स्फीयर का आंसर आ गया। अब मेरे को इस स्फीयर का भी निकालना है, पर ये स्फीयर का अगर एक्सिस इसके बीच में से पास करता है तो इस एक्सिस पे फॉर्मूला 2/5 इंटू एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर लगेगा। और इससे मुझको पूछा ही नहीं इस एक्सिस पे, मुझे तो इस एक्सिस पे पूछा, तो मैं इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट कर दूं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 2/5 एम इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस मास इंटू 2r का स्क्वायर भी होगा, एम आर स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस एक्सिस का खुद का तो जो है वो तो है ही, और इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेना, ये आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? सही, क्लियर है? चीजें दिख रही हैं एकदम क्लियर? कैसे दिख रही हैं इसमें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, शीट नंबर 35 के बाद 36 नंबर शीट है, इसका पहला क्वेश्चन शीट नंबर 36 का गलती से डल गया सेंटर ऑफ मास का। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज ही नहीं हो रहा है, इसमें सेंटर ऑफ मास यूज हो रहा है। चलो कर लेते हैं, डल गया तो। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला सबको पता ही है, कुछ करना नहीं है इसमें। वो क्या कह रहा है? 3 पार्टिकल्स हैं ऑफ 2 kg ईच, m1 m2 m3, पता है 2 kg। एक कहां पर पड़ा हुआ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि माइनस आई कैप। एक कहां पर पड़ा हुआ है? नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप। और एक कहां पर? पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी कि के कैप। और डिस्टेंसेस कितने हैं? 2, 3 और 1। तो 2 - i कैप, 2 r1 वेक्टर कैप, 2 - i कैप, r2 वेक्टर कैप, 3 - j कैप, r3 वेक्टर कैप, 1 k कैप। तो आपको तीनों डिस्टेंसेस गिवन है, आपने i j k में पुट कर लिया। आपको क्या निकालना है? इनके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो सेंटर ऑफ मास निकालें पहले।
तो आप फॉर्मूला लगा लेना m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर, तो आप ये वैल्यूज पुट करके i कैप j कैप k कैप में आंसर निकाल लेना। तो ये तो आ ही जाएगा m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर से वैल्यू आ गई, पर आपको i कैप j कैप k कैप में वैल्यू थोड़ा ना गिवन है, आपको तो इसमें क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब पहले सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालें और फिर उसका स्क्वायर भी करें। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर एंड के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1.55, और फिर इसका क्या करना है, होल स्क्वायर निकाल लेना, फिर स्क्वायर करके आंसर जो भी है। मेथड समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, गलती से डल गया बीच में, गलती से भी डला, एक्चुअली बुक्स में सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट इनर्शिया की कई बार मिसलेनियस प्रॉब्लम गिवन होती है, तो वहां से शायद डल गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है मेरे ख्याल से, फॉर्मूला बेस्ड ही है। फोर्थ भी इजी है, टेंजेंट के लॉन्ग हमने लास्ट टाइम निकाल लिया था, डिस्क का आई क्या होगा ये भी पता है, डायमीटर के अबाउट क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन पढ़ें, सिलेंडर के दो फॉर्मूलास किए थे, आप अपने बुकलेट चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ये रहा। इस सॉलिड सिलेंडर की लेंथ जो है वो L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये रहा सेंटर, एंड नॉर्मल टू द सर्कुलर फेस, ये रहा सर्कुलर फेस और ये रहा इसका नॉर्मल। तो पहला एक्सिस कैसा है, ऐसा है। तो सॉलिड सिलेंडर का अगर एक्सिस ऐसा है तो आई का फॉर्मूला क्या करवाया था, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, सेम है। अगर एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर से, एंड नॉर्मल टू दी लेंथ, नॉर्मल टू दी लेंथ क्या है, ये रहा। तो नॉर्मल टू दी लेंथ में आई का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला चेक कर लो, लिखवाया था, दो फॉर्मूले लिखवाए थे। तो कह रहा है कि दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम है, हर बार सेम नहीं है, इस क्वेश्चन में सेम है, तो उठा के सेम कर दो ना, एम से एम कैंसिल करके आर और एल के बीच में रिलेशन निकाल लो, आंसर ठीक है। यहां तक एल और आर की रेशियो आ जाएगी, बात खत्म, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन समझना एक टेक्निक है कि किस एक्सिस पे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करो, धीरे पढ़ो, एक्सिस जरूर देखो किस पे निकालना, अगर एक्सिस गलत पढ़ लिया फिर तो फायदा ही क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है यहां तक। और एक्सिस पढ़ना और समझना ये प्रैक्टिस की गेम है, क्योंकि फॉर्मूले सबको आते हैं, वो लगाना कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, तीन पॉइंट मासेज हैं, चलो शुगर है, पॉइंट मास का क्वेश्चन सबसे आसान होता है,
तीन पॉइंट मासेज हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे पड़े हुए हैं, एल 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 और एंगल 60. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है? अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक साइड ले लो, ये लो डॉटेड लाइन साइड है. तो ये बताओ ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास एक्सिस पे लाई करता है, इसका आए जीरो. ये पॉइंट मास इसके एक्सिस पे लाई करता है, इसका आए जीरो. और ये पॉइंट मास की दूरी इस एक्सिस से कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. अगर ये एल है, ये 60 है, तो ये एल साइन 60, तो इसका क्या बनेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आंसर. तो दो पॉइंट मासेस का जीरो और तीसरे पॉइंट मास का एम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, हो जाएगा. ये हमने कर लिया था. ये बिल्कुल बेसिक है, रिंग डिस्क के नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये करना नहीं. और ये हमने कर लिए थे, डन.